हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैं 15 टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया, आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चतुष्पथीज और द टूल्स रिफर्स टू, तो बेसिकली ये थे सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के सेंटर थे बिहार एंड बंगाल में, ठीक है। इसमें जो है स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ 18th सेंचुरी के बारे में पता चलता है, एंड पाठशाला मकतब एंड लोअर कास्ट सर्विस सॉरी समटाइम प्रेजेंट होते थे एंड वेमेन रेयरली प्रेजेंट होते थे। संस्कृत एजुकेशन सेंटर था काशी, मिथिला, नादिया एंड उत्कल। ओके, तो डी इज द करेक्ट सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन, जो चतुष्पथीज थे एंड द टूल्स। ओके, बंगाल एंड बिहार में फेमस थे। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। एक पैरा दे रखा और पूछा है कौन से पर्सनालिटी हैं, तो मैं पैरा रीड कर रहा हूँ, आप गेस करो। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, ही वॉज ये प्रोमिनेंट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म। ही ओपन हिज प्रेस विच पब्लिश जर्नल्स एम्ड एट द अवेकनिंग द दलित्स। ही एस्टैब्लिश द सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज इन 1901, विच उर्ज द अनटचेबल्स टू टेक एजुकेशन, फाइट फॉर द सिविल राइट्स एंड क्रिएट ए फीलिंग्स एमंग हिंदूज दैट द डाउन ट्रोडन शुड बी द रेज्ड अप। ही पब्लिश द बायोग्राफी ऑफ द चोखा मेला। ही ऑल्सो पब्लिश द मजदूर पत्रिका इन 1918 टू एजुकेट एंड मोबिलाइज द मिल लेबरर्स। हु एमंग द फॉलोइंग इज बींग डिस्क्राइब इन द पैसेज गिवन अबव। तो बेसिकली ये सॉरी किसान फागुजी बंशोध थे, ठीक है। बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शंस ऑफ फॉलोइंग प्रोविजंस इन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो बेसिकली जो पहला है प्रोविजन ऑफ डायरकी एट सेंटर, तो ये 1935 में आया था सेंटर में, बट स्टेट में 1919 में आ गया था। एंड दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द बाई कैमरलिज्म एट सेंटर, तो बाई कैमरलिज्म सेंटर में 1919 में आया था। एंड थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओपन कंपटेटिव सिस्टम फॉर द सिविल सर्वेंट, तो 1853 में आया था ये। एंड फोर है रिकॉग्नाइजेशन सॉरी रिकॉग्निशंस ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, तो 1861 में आया था, ठीक है। तो ये इसका सही होगा 3, 4 एंड 2, 1। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। 54 क्या है, विद रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे आर कंस्टिट्यूट बाई द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243 जेडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है सॉरी दूसरा है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपालिटीज एंड द चेयर पर्सन ऑफ पंचायत। नो, 2/3, 1/3 नहीं है, 2/3 मेंबर्स ऑफ कमेटी आर इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसपालिटीज एंड द चेयर पर्सन ऑफ द पंचायत। ओके, देन ओनली वन इज राइट, यानी कि ए इज करेक्ट। फिर 55 पे चलते हैं। 55 है रिसेंटली सीन इन न्यूज अल्फा फोल्ड इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली अल्फा फोल्ड है AI टूल्स डेवलप्ड
टू प्रिडिक्ट एंड पब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, अल्फा फोल्ड याद रखना। ये डुपमाइन एक कंपनी है जो कि लंदन बेस्ड है, उसी का ये अल्फा फोल्ड याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। सॉरी, 56 नंबर है दीपावली डिक्लेरेशंस, विच डिक्लेयर्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वाज ए ग्रांट डोमिनियन स्टेट टू इंडिया, वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1929 में, 31 अक्टूबर ऑफ 1929। ओके, आफ्टर द नेहरू रिपोर्ट, द बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर है विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इज इक्वल टू ऑफ एन एमएलए, नो डिफरेंट होता है उनका वोट। दूसरा है द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। एंड थर्ड है द एंटी डिफेक्शंस लॉ विच डिसअलाउ एमपीज फ्रॉम द क्रॉसिंग द पार्टी लाइन डज नॉट अप्लाई टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यस, इसमें सेक्रेट वोटिंग होता है, यानी कि कोई भी एमपी और एमएलए किसी को भी वोटिंग कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सी। सी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैटल ऑफ द सेंट थॉम। तो पहला, इट वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड अनवरुद्दीन हु वॉज द नवाब ऑफ द कर्नाटक फोर्स। यस, दूसरा है सेंट थॉम वॉज एंड बैंक्स ऑफ रिवर अडयार। यस, तो फर्स्ट कर्नाटक वार बेसिकली 1742-48 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्सलोसापल की हुई थी यहाँ पे। फिर चलते हैं 59 नंबर पे। 59 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द निपुण इनिशिएटिव फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ओके, तो एम दे रखा है ट्रेन टू पर्सनल एम्प्लॉय इन द अर्बन लोकल्स बॉडीज एंड द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट थ्रू द अप स्किलिंग प्रोग्राम। नो, इसका काम है मोटिव ट्रेन 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तैयार करना है, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द इनिशिएटिव। यस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, देन सेकेंड इज सही है। और थर्ड देख, द इनिशिएटिव वॉज ऑल्सो एम्ड फॉर द ओवरसीज प्लेसमेंट ऑफ द स्किल इंडिविजुअल्स। यस, प्लेसमेंट होगा। तो 2 एंड 3 इज राइट, यानी कि ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सॉरी। एंड 60 पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द स्वतंत्र पार्टी कैंसिल फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्वतंत्र पार्टी बेसिकली 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। इट स्ट्रांगली अपोज द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन अपोजिशन टू द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नो, ये सोशलिस्टिक का अपोज करता था, सोशलिस्ट जो सोशलिस्टिक पॉलिसी थी उसकी अपोज करता था ये स्वतंत्र पार्टी। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा है इट इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा आफ्टर द फोर्थ जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। यस, थर्ड है इट वॉज
मर्ज विद भारतीय जनता पार्टी 1974? नो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में स्टेब्लिश हुआ था। इसको स्टेब्लिश किए थे सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, एन जी रंगा। ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चाहते थे। तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर, तो इसका बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर, क्या है 61 है। रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट साइंड एंड रेटिफाइड बाई इंडिया टू कंट्रोल द यूज ऑफ द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। तो इसमें पहला है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925, यस। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, नो, सी टी बी टी। एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972, यस। ये है तो दो बार साइन कर रखा है, 1 एंड 3 इज राइट, यानी कि बी इज करेक्ट। अब जान लेते हैं सभी के बारे में, जिनेवा जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में। तो बेसिकली बैंड द यूज ऑफ द केमिकल्स एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम। ओके, तो ये जिनेवा प्रोटोकॉल है। दूसरा है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको छोड़ते हैं। तीसरा देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। तो बेसिकली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1992 को, बैन ऑन द बायोलॉजिकल एंड द केमिकल वेपन्स रिस्पेक्टिवली, एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT जो है, ये रेगुलेटिंग द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया नॉट साइन, दोनों को इंडिया साइन नहीं किया है। ओके क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। तो इसका आंसर हुआ 1 एंड 3, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द अग्निपथ स्कीम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है सोल्जर सिलेक्टेड अंडर द स्कीम्स वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेज, यस। दूसरा है आफ्टर 4 ईयर्स टेन्योर 25% ऑफ द रिक्रूटेड पर्सनल वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 ईयर्स अंडर द परमानेंट कमीशन, यस। तीसरा, सोल्जर्स वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू द पेंशनरी बेनिफिट्स बट वुड गेन द इंटाइटलमेंट टू ग्रेटिट्यूड, नो। ये कोई इंटाइटलमेंट है ग्रेटिट्यूटी नहीं मिलेगा। तो 3rd इज रॉन्ग एंड 1 एंड 2 इज करेक्ट। ओके, देन 1 एंड 2 इज राइट। नेक्स्ट वो करते हैं 63 नंबर। 63 है विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंटी खोती मूवमेंट विच एम्ड एट द एबोलिशन ऑफ द खोती सिस्टम्स टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, कोंकण रीजन में। ओके, खोत मतलब लैंड लॉर्ड्स, रेंटेड विलेज एंड द फॉर्म लैंड, कलेक्टेड विलेज रेवेन्यूज फ्रॉम द। तो ये रहा एंटी खोती मूवमेंट्स, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी नॉन कॉपरेशन सोसाइटी। तो पहला, द सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन बंगाल टू अपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नो। ये बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ था, तो पहला गलत। दूसरा है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वाज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी, यस। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, क्योंकि उनका बिजनेस खराब हो रहा था। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। गला नहीं सही है मेरा, बट अपना कर्म तो करना है। तो 65 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल सर्कुलर, ये आज़ादी, ये रेवोल्यूशनरी मैगजीन वॉज स्टार्टेड बाई, तो रामनाथपुरी का था ये सर्कुलर, ये आज़ादी। तो याद रखना फैक्ट है, रेवोल्यूशनरी मैगजीन थी रामनाथपुरी।
नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेट न्यूट्रलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट इंश्योर्स दैट ऑल एंड यूजर्स आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट कंटेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द सर्विस क्वालिटी स्पीड एंड प्राइस। यस, यह है नेट न्यूट्रलिटी। दूसरा है, करंट द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आर नॉट कवर्ड अंडर द नेट न्यूट्रलिटी रेगुलेशन इन इंडिया। यस। एंड थर्ड है, इन इंडिया द गाइडलाइंस इंश्योर नेट न्यूट्रलिटी आर इन्फोर्स्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। यस, तो तीनों सही हैं। 1, 2 एंड 3 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67 है, विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर्स कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर एंड रिट ऑफ द ऑल काइंड्स। यस। दूसरा, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी सर्कमस्टेंसेस एज इट इज ए बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, तो बेसिकली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड विद इन द आर्टिकल्स 359 ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी। ओके, देन ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे। विद रेफरेंस टू स्वामी विवेकानंद लाइफ अरेंज द फॉलोइंग इन इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला है, स्पीच एट पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन हेल्ड इन शिकागो। तो ये सभी को पता है 1893। दूसरा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेदांता सोसाइटी एट न्यूयॉर्क। तो ये 1897 में हुआ था। ओके, एंड रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में हुआ था, और वो वेदांता सोसाइटी 1994 में हुआ था, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका 1, 2 एंड 3 सही है। ओके, इनकी कुछ पुस्तकें थी जैसे राजयोग, कर्म योग, जन योग एंड भक्ति योग। इनका बचपन, इनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये थे 1862 to 1907। खेत्री के किंग ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी, तो याद रखना खेत्री किंग। फिर चलते 69 नंबर पे। 69 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहला है, ये 15 मेंबर वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर डे टू डे अफेयर्स। दूसरा है, द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वर ऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। यस। तीसरा है, मेंबरशिप फी वाज रिड्यूस देयर बाय लीडिंग द मॉस इन्वॉल्वमेंट। यस, तो ये बेसिकली ना ये 1921 अगस्त 1920 को तिलक जी का डेथ हुआ था, एंड 9 दिसंबर 1920 को नागपुर सेशन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस ने बिकम द रियल पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट था कांग्रेस के बारे में। फिर चलते 70 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द गोल GOAL, गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट इज एम्ड एट द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑन द यूथ एंड द वुमेन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज अक्रॉस इंडिया। दो, ये ट्राइबल के लिए। दूसरा है, वेमेन एंड यूथ को जो है ट्राइबल क्षेत्रों में डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। तो दूसरा है, इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड गूगल इंक। नो, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के हैं, एंड ईआरओएनईपी एक ऑटोनॉमस बॉडी है।
दूसरा जो है गलत हुआ। तीसरा है, द एजुकेशन एंड द रिसर्च नेटवर्क इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोग्राम इन इंडिया। यस, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें थर्ड राइट है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 71 क्या कहता है? 71 है, द कंटेक्स्ट ऑफ द जियोग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉम्ब साइक्लोन। क्या होता है? तो बेसिकली इसमें फ्रॉम द ब्लिजार टू द थंडर स्टोम तक आता है, सेवियर थंडर स्टोम। तो यहाँ पे नो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू, नो, यहाँ पे ब्लिजार टू सेवियर थंडर स्टोम आता है, लॉर्ड लाइक द कैलिफोर्निया रीजन यूएसए एंड अदर पार्ट ऑफ ग्रेट लेक ईटीसी। एंड दूसरा, दिस साइक्लोन्स अकर्स ओनली इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, नो, टेम्परेट डिजर्ट्स, डिजर्ट में, टेम्परेट रीजन में होता है। एंड थर्ड, दे अकर्स ओनली ड्यूरिंग द समर सेशन, नो, इन द विंटर सीजन्स। ये लार्ज इंटेंस बिटिलेटिट्यूड स्टॉम्स दैट हैव लो प्रेशर एट द विंटर एट द सेंटर। ओके, इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसमें तीनों सही नहीं है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर में, विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशंस, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। दूसरा, इट एडवोकेट्स द अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ द डाटा टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इन द टूरिज्म सेक्टर्स, नो, बेसिकली हार्नेस द फुल पोटेंशियल्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन इन द टूरिज्म सेक्टर के लिए काम करेगा। तो डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवोल्यूशंस एंड चेंजेस इन द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सीक परमिशंस फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स टू क्रिएट और द एबोलिश ये डिस्ट्रिक्ट। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स क्रिएट और द एबोलिश, सॉरी, इसको फिर से पढ़ते हैं। तो क्या नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है? तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सीक द परमिशंस फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ द होम टू क्रिएट द एवोलिस डिस्ट्रिक्ट, नो, सेंटर से कोई मतलब नहीं है, स्टेट कर सकता अपने से। दूसरा है, द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेलवे स्टेशन इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो, इसके लिए रिक्वायर लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। तो डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर विलियम बेंटिक। तो 1828 to 1835, तो पहला एन एक्सेशन ऑफ मैसूर, यस। दूसरा, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह, नो। तीसरा, सप्रेशन ऑफ ठगी, यस। तो ये सब विलियम बेंटिक के समय हुआ था, विलियम पेंटिक के समय। और कुछ हुआ था जैसे सती एंड अदर्स क्रूएल राइट्स को बंद किया गया 1929 में, ठीक है। चार्टर एक्ट आया था 1933 में, और जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप था रंजीत सिंह के साथ 1809 में मिंटो मैटकॉफ ट्रेडी हुआ था इसमें। तो बी इज द करेक्ट, वन एंड थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 75, जो कि आज का लास्ट है। Institutions, offices mentioned below are the constitutional bodies. तो पहला Union Service, Union Public Service Commissions, yes, constitutional body. Good and Service Tax, yes, ये भी है। Third, Advocate General of the State, yes, तीनों नीति आयोग नहीं, basically executive body. तो इसमें सही वो B, 1 and 2, 3. Okay, तो आज को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि गला सही नहीं है। Thank you very much.